Experience the thrill of PSL 9 live on A-Sports. पूछना ये था कि अगर आप कुछ महसूस कर रहे हो लेकिन आप उसको कह ना सके तो वो करने जैसा ही होगा ना, यानी कि वो वर्ब होगा या एक्शन होगा? इसका जवाब मैं आपको क्लास के बाहर दूंगी। मानूर बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है इस बात का, कोई शक नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, एक मशवरा चाहिए। क्या मैं मानूर को, क्या मैं उसे ये बता दूं कि वो मेरे लिए क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, ये तो हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करता है। देखें जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार। बात ये कि पुरानी लड़ाई झगड़ा सब खत्म करते हैं और अपने बड़ेपन का सबूत देते हैं। हमने तो हमेशा दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया आपकी तरफ। आज शहराम आ गया है तो इसके सामने ये बात हो जाए कि अगर शहराम की और आलिया की शादी हो जाती है तो मैं जमीन आपके हवाले करने के लिए तैयार हूं। देखिए एक साथ दो दो तोहफे, जब दो ताकतें इकट्ठी लड़ने के बजाय मिल जाती है ना, बहुत फायदा होता है। अगर मेरी बातों में वजन ना होता तो आज शायद शहराम यहां खामोशी से ना बैठा होता। मैं सिर्फ इस एहतराम में खामोश हूं कि आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, और इसलिए कि मेरी छोटी अम्मी यहां मौजूद है। अगर आपने बात खत्म कर ली हो तो मैं जवाब दे सकता हूं उसका। प्लीज। शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मेरे हक को आप बचपना कह रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए बचपना नहीं, मेरा हक है। अदालत तो बहुत पहले हमारे हक में फैसला दे चुकी थी जमीन के बारे में, लेकिन आपने महज हमें कानूनी उलझनों में उलझाने के लिए स्टे ऑर्डर लिया। दूसरी बात, अगर आपको छोटी अम्मी की बातों से ये लगा कि आपके खिलाफ नहीं जा सकती तो शायद उसकी वजह ये हो कि वो उस दोस्ती का पास रख रही हूं जिसके दलायल आप मुझे इतनी देर से दे रहे हैं। वरना आपके लिए इतना जानना ही काफी है कि मुराद शाह की बात को उससे बेहतर कौन दोहरा सकता है जिसकी रगों में उनका खून दौड़ रहा हूं, और वो खून कभी भी अपनी बाप की सोच के खिलाफ नहीं जा सकता। तीसरी बात, ये जो जमीन और बेटी का तोहफा आप मुझे दे रहे हैं, काश ये बात कहने से पहले आपने इन दोनों की अहमियत को समझा होता। ना ये जमीन इतनी बेकार है कि इसको एक सौदा समझ के मैं आपकी बेटी को अपनी मलकियत समझ लूं, और ना आपकी बेटी इतनी बेवकूफ है कि एक जमीन के सौदे के लिए वो किसी की घर की इज्जत बन जाए। मैं अपनी हर बात पे कायम हूं, और मैं जानता हूं कि आप ये हीले बहाने इसलिए तलाश कर रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है कि आपकी जमीन आपके हाथ से निकल रही है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते शहराम बेटा कि तुम्हारा दिल कहीं और अटक गया है? वो लड़की जिसको तुम्हारी माँ भी हकीर समझती है, उसकी खातिर हमें और हमारी बेटी को बेइज्जत कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन ये जुमले कहकर आपने साबित किया है कि एक ही चीज हकीर है, और वो है आपकी सोच। आप आइंदा जमीन पर अपने लोगों को भेजने की गलती मत कीजिएगा।
मैं अपनी माँ से बहुत एहतराम के साथ ये सारी बातें कर चुका हूँ, और अगर आप भी मुझे मौका देते तो आपके साथ भी बहुत एहतराम से ये बातें करता। इस ऑफर को मैं ठुकरा रहा हूं किसी और की वजह से नहीं, अपने बाप की वजह से। राजशाह को समझ नहीं पाए, लेकिन मुझे जरूर समझ जाएंगे आप, क्योंकि उनका बेटा अभी जिंदा है। शुक्रिया। कहेंगे नहीं, अभी इस मसले पे बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो फिलहाल मेरे रात को कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। हम सब लोग पढ़ेंगे फीलिंग्स, मतलब हम क्या महसूस करते हैं। जैसे कि हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, कभी सैड होते हैं, उदास हो जाते हैं। अब कौन मुझे बताएगा कि कौन कब कब खुश होता है? अच्छा आप बताइए। जब मेरी मम्मा मेरे साथ खेलती हैं, जब मैं बहुत खुश होती हूं। खेलती हैं, वेरी गुड। आप बताइए। जब मेरे बाबा मेरे लिए आइसक्रीम लाते हैं। आइसक्रीम लाते हैं, अच्छा। आप बताइए। मैं तो हर वक्त ही खुश होती हूँ, बट जब मैं स्कूल आती हूँ तो मैं ज्यादा खुश होती हूँ। वेरी गुड। आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। गाड़ी लेट तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हुई। आइए आइए भाई, चाय का बंदोबस्त करो। कह दिए सर, आ रही है। यानी हम सब लोग कभी बहुत उदास होते हैं और कभी बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसा ही है ना टीचर? आप किससे खुश होती हैं? मैं कब खुश होती हूँ? जब मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ और आप सब लोगों को पढ़ाती हूँ और आप सब लोगों के साथ वक्त गुजारती हूँ। थैंक यू टीचर। चलो 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 चलो, आ जाओ, चली 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 चली। आ जाओ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी कैसे हो? देखो ठीक। अभी तुम्हारा ही पूछ रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तबीयत कैसी है आपकी? सर मच बेटर, बाय द वे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। देखिए अगर सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल। तैमूर बता रहे थे कि दूसरे ब्लॉक में लाइब्रेरी का काम भी शुरू हो जाएगा आज से। मानो शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू हो चुका है सर। एक प्रेजेंटेशन ईमेल की है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो हम तीनों बैठ के डिस्कस कर लेंगे। प्लेग्राउंड के एस्पेक्ट्स को फाइनलाइज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप कहें, व्हेनेवर यू से। थैंक यू सर। जैसे मैं निकलता हूँ, भला हमारी टीचर का और आपके घर के खाने का, पर ना मैं तो गया था काम से। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
चलो बच्चों, चलो चलो चलो, छुट्टी हो गई, जल्दी से जाके अपने बैग निकालो, जाओ जल्दी जल्दी। अरे आप जा रही हैं क्या? हाँ, अब्बा आने वाले होंगे ना, क्यों नहीं जाऊं क्या? आप डर क्यों जाते हैं ऐसे सवालों से? डर इस बात से रहा हूं कि अब जवाब देते हुए डर नहीं लगता मुझे। अनूर, आपको पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी खुशी और आपकी आसानी अपने से भी ज्यादा। चलो जाइए, इंतजार कर रहे होंगे आपका। जी, खुदा हाफिज। कुलदीप जी, आज से आपका केबिन वो सामने है। लेकिन सर, स्टिचिंग डिपार्टमेंट का काम तो होता ही है यहीं पर। हाँ, मुझे मालूम है कहाँ का काम कहाँ होता है, मैं भी ये फैक्ट्री चलाता हूँ। आपको कोई काम हो तो अंदर जाके उनको बता दीजिएगा, आज से वो वहाँ बैठी होंगी। कोई तकलीफ? सुन रहे हैं आप लोग? वैसे तो बड़े मुफ्त के मशवरे दे रहे होते हैं कुलदीप साहिबा को, अब किसी को कोई काम होगा ना तो अंदर रिपोर्ट करेगा उनको। आपका खेती जमाल साहब, सीट जीतना तो इतना बड़ा मसला नहीं है। आपके कहने पर हमने तो कराची में मीडिया कंपेन भी शुरू कर दी है। भाई, लोगों को भी तो पता चले कि आप जैसे दर्दमंद लोग बसते हैं यहाँ। मसला तो यही है यावर साहब कि कभी कभी शिकस्त का सामना अपने ही घर में है, अपने ही लोगों के हाथों होता है। गांव के लोगों से वोट लेना इतना आसान नहीं है। अब ये मुराद शाह के नाम की माला जपते हैं और उसके बेटे की भी। मुराद शाह, ये वही है ना जिनकी अभी डेथ हुई थी? हाँ वही, तुम्हारी मुलाकात है हमसे? जी जी, बल्कि काफी यादगार मुलाकात थी। इनफैक्ट वो हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी। उनका बेटा है शहराम, नाक में दम कर रखा है उसने। किया क्या है उसने? आजकल हमारे ही पुरखों की जमीन पे स्कूल बनवा रहा है, बड़ी जरूरत आ गई उसमें। अरे छोड़ें जमाल साहब, आप किसी की भी फिक्र ना करें, बस आगे बढ़ें। इन हालात में आपका जलसा होना बहुत जरूरी है। कबीर, तुम भी आ जाना साथ। अंकल, मैं जरूर आता, लेकिन क्या है ना, ये धूल मिट्टी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, सो आई वोंट बी एबल टू कम। वैसे होता कहाँ है ये शहराम? गुलजेब, अब क्या हो गया? आ जाइए, आ जाइए, बैठिए। ने बैठने के लिए गया, क्यों नहीं बैठ रही हैं? मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे घर छोड़ने की वहां से लेने की जहमत मत करें आप। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ऊपर से आपने मुझे बैठने के लिए नई जगह भी दे दी है। वो क्या बातें बनाते हैं क्या बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। किस तरह वापस आएंगी, रात को कैसे जाएंगी, कोई इंतजाम करके रखा है आपने?
लोगों की बातों में आके कीड़ों मकोड़ों वाली जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है आपको। पसंद है आपको गरीबी और लाचारी? मैंने ये जिंदगी अपने शोहर के साथ भी गुजारी है और बहुत खुशी से गुजारी है। लेकिन आपका शोहर तो अब मर गया ना कुलसेब, आप भी मरना चाहती हैं? मैं कब की मर चुकी हूँ तबरेज़ा, आमिर के साथ ही दफन हो गई थी मैं। इस दुनिया भर की दौलत से अच्छी तो ये गरीबी है। क्या करूं इन पैसों का जिनकी वजह से मेरे शौहर की जान चली गई? आपको जरूरत क्या थी उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालने की? अच्छा, तो अब आप मुझे समझाएंगी कि कंपनी कैसे चलानी है, कारोबारी मामलात किस तरह से देखने हैं? तबरेज साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्लाइंट के पैसे लेकर आ रहा था वापस, उससे गलती हुई, उसे संभाले नहीं गए। यूं क्यों नहीं सोचती आप? कुलदीप, आपने केबिन में जाइए इससे पहले कि मुझे मजीद गुस्सा आए। मैं यहां पे आपकी फिक्र कर रहा हूं, आपके लिए मैं, आप किस तरह से बात कर रही हैं उससे? जाए प्लीज। और रात को वापस आप घर भी खुद ही चले जाइएगा। कब से फैक्ट्री में काम कर रही है वो? यही तो पिछले 4-5 माह से। बेगम साहब, शौहर को मरे हुए कितने दिन हो गए? पिछले महीने की बात है। जितनी मालूमात हासिल कर सकते हो फौरन करके बताओ। जो हुक्म आपका बेगम साहब। क्या बात है किश्वर? ये औलाद इतनी नाशुक्री क्यों होती है? इन्हें संभालते संवारते जवानी गुजर जाती है, फिर भी करते वही हैं जो इनके मन में आता है, बगैर सोचे समझे। आखिर हुआ क्या है किश्वर, बताओ तो सही। मैंने फैसला कर लिया, तबरेज का रिश्ता आलिया के साथ होगा। चाहे मुझे उन लोगों के आगे अपनी नाक ही क्यों ना रगड़नी पड़े, लेकिन शहराम के इनकार के बाद मैं ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकती। और तबरेज? उसके हाँ या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लड़का खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, उसकी जिंदगी के तमाम फैसले अब मैं ही लूंगी। इसीलिए मैं कहता हूं गांव वालों, वोट हमें देना, हमें चुनो, गुलाब पे मोहर लगाना, तो फायदा तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को होगा। किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप ये गारंटी कर सकते हैं कि आपके इक्तदार में आने के बाद यहाँ के लोगों को बिन मांगे अनाज मिल जाया करेगा? मुफलसी के नाम पे डकैतियां नहीं होंगी यहाँ पे, या गैरत के नाम पे कत्ल होना बंद हो जाएंगे? गारंटी कर सकते हैं आप? वो स्कूल जो यहाँ के बच्चों को तालीम दे सकता है, यहाँ के नौजवानों को नौकरियां दे सकता है, उसके अंदर मसाइल पैदा कर रहे हैं आप, आखिर क्यों? यही तो मसला है कि जब जवान खून जोश मारता है तो अगली पिछली सब बातें भूल जाता है। शहराम, इस जमीन का माहिदा हमारे वालिद और आपके दादा के दरमियान हुआ था। बाद में मालूम नहीं कौन सी कागजी कार्रवाई हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन पहला हक तो हमारा ही बनता है ना। कानून मैं आपसे ज्यादा जानता, जो मुआहदा आपका और मेरे वालिद साहब मुराद अली शाह के दरमियान हुआ था उसके मुताबिक ये जमीन आप उनको बेच चुके हैं, इसके मालिक वो हैं। मैं एक बार फिर तुम लोगों से पूछता हूं गांव वालों,
क्या स्कूल खड़ा हो जाने से तुम लोगों के मसले हल हो जाएंगे, बिजली मिल जाएगी, कर्जे खत्म हो जाएंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, चूल्हे जलेंगे तुम्हारे घर के, और तुम कौन सा इलेक्शन में खड़े हो रहे हो शहराम? वैसे तो किश्वर साहिबा भी मुराद शाह साहब की जगह है ना, उन्होंने तो कभी हमारे खिलाफ जाने की कोई बात नहीं की, ना कभी सोचा। हम ज्यादा नहीं कहेंगे शहराम, लेकिन ये गांव ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मुराद शाह के गुजर जाने के बाद कौन कौन से काम किस किस तरह से उसकी सोच के खिलाफ हुए, और इसमें सबसे आगे उनकी अपनी औलाद है। जाती हमले करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि क्योंकि जमीन आपके हाथ से निकल रही है, इसलिए उसको बचाने के लिए आप हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, चाहे कितना ही घटिया क्यों ना हो। और आवाम में तो मैं आपकी मकबूलियत देख ही रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है कि स्कूल को तामीर करके ये मसला हल करके गांव वालों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं, तो दी तुम्हें जमीन। बनाओ अपना स्कूल, पूरा करो अपने अब्बा का ख्वाब, मैं गांव वालों के ख्वाब पूरे करूंगा। ये स्कूल असल में तो गांव वालों का एक ख्वाब है, लेकिन शायद आप ये भी देखने से कासर हैं। आइंदा आप और आपके लोग स्कूल की जमीन से दूर रहिएगा, उस पर कदम ना रखिएगा और उसके दरो दीवार को हाथ ना लगाइएगा। ये मेरी मां का भी ख्वाब था, इस बात को भूलिएगा। जवान खून है, जज्बाती हो गया, तुम लोग तो बैठो, बैठ जाओ। वैसे नहीं दिए थे इन लोगों को? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इस बार मोहर गुलाब पे लगानी है। मेरा पोर्ट्रेट बनाएंगे आप? आपका क्यों, मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, कहाँ लगाएंगे आप? जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। किशोर, मैं तो आपसे कभी नाराज नहीं थी, लेकिन जमाल, आप बात करें ना उनसे। जब आलिया को एतराज नहीं है रिश्ते से, तो फिर देर किस बात की? मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, मैं आखिर माँ हूं, मैंने अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया है, बल्कि तबरेज और अब्दुल से ज्यादा शहराम को मोहब्बत दी है। लेकिन बात यह है कि जितना अच्छा आप लोग शहराम को समझते हैं, इतना अच्छा है नहीं। ये आप कह रही हैं किश्वर? माँ होते हुए मुझे अभी भी शहराम का एहसास है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आपकी बेटी का है। रात के जाने के बाद बिल्कुल बदल गया है, सिर्फ उसे अपने आप दिखता है, ना सोने का होश है ना जागने का। कब कौन सा फैसला कर ले, मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक कह रही हूँ, मैं क्यों चाहूंगी कि किसी लड़की को उसके नाम पे लेके आऊं और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। आप भी नहीं चाहेंगी ये,
इसीलिए तो मैं तब्रेज का रिश्ता लेके आई थी। जिसको अपना होश नहीं वो किसी और को कैसे संभालेगा? आपकी नाजों में पली बेटी है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। बात करूंगी जमाल से। तब्रेज आमादा है? बिल्कुल आमादा है, उसे क्या इतराज होगा? मैं चलती हूँ, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपने कुछ लिया? माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बस अब मुझे निकलना है। बड़ा अच्छा लगा कि आप आई, उम्मीद है आप दोबारा भी आएंगे। इंशाल्लाह जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Excuse me. अच्छा, खुदा हाफिज। हमें नजरों में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई मेहनत मजदूरी, लेकिन हासिल कुछ नहीं है। ओ भाई, जो छह पिछले महीने की तनख्वाह तो मिलेगी नहीं। भी हाथ झाड़ के चले जाएंगे। और क्यों? आप सब लोगों के पैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में आ गए, आप सब लोग जाके वहां से ले सकते हैं। किस खुशी में? रे भाई, आपकी तनख्वाहों के पैसे वो जमा हो गए, ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम श्रीराम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। काम मेरा तो अभी पूरा हुआ नहीं। मुझे पता है, लेकिन जिस तरह अब्बू जान के वक्त आपको टाइम से पहले तनख्वाह मिल जाया करती थी, अभी भी ऐसा ही होगा। अगर किसी को मसला हो तो वो मोइन साहब से रابطہ कर सकता है और मुझसे भी। ठीक है? चलो, आज तो ईद हो गई। यकीन नहीं आता, ये वही आदमी है जिन्होंने पिछले महीने हमारी तनख्वाहें रोकी थी। शहरान साहब, आप लोगों की तनख्वाह नहीं रोकी थी, वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते। चाहे आप लोग अपनी तनख्वाह ले। जमाल साहब, ये तो अच्छा खासा तमाशा लग गया। तमाशा क्या होता है यावर, ये अब मैं उन्हें बताऊंगा। मैं तो कहता हूं ये बहुत गलत हुआ है। हमें इतनी आसानी से ये जमीन उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हें याद होगा यावर, तुमने एक बार कहा था कि दुश्मनों को दोस्तों से ज्यादा करीब रखना चाहिए। उनके सौतेलेपन का फायदा अब मैं उठाऊंगा, तुम देखते जाओ। बस देखते जाओ। समानूरी हमारी लाइब्रेरी का फ्लोर प्लान तो कुछ इस तरह का, उसका 530x510। आपको ठीक लग रहा है? हाँ, मेरा ख्याल है ठीक है। बाकी हम शहराम से भी मशवरा ले लेंगे इस बारे में। Hey, oh, sir. I'm so sorry, मैं लेट हो गया। नो सर, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए, मैं भी अभी आया हूँ। अलबत्ता हमारी लेजेंडरी मिस मानूर काफी देर से तबसरा कर रही। अच्छा, किस बात पे तबसरा? शहराम में सोच रही थी कि जिस तरह का आर्टवर्क क्लासरूम में है, अगर उसी तरह का यहाँ प्लेग्राउंड की दीवारों पर हो तो कैसा लगेगा? सारी वॉल्स पे? ये तो बहुत मुश्किल काम है ये। हाँ, तो मैं कर लूंगी मेहनत। स्कूल के सॉफ्ट बोर्ड पे ड्राइंग करना एक और बात है, और इन सारी दीवारों पे कैसे करेंगे आप? आपको मेरी काबिलियत पर कोई शक है? नहीं, ऐसी बात नहीं। शहराम साहब, बिलीव मी, मैं इनको पहले दिन से कह रहा हूँ कि इनको आपकी हवेली के लिए कुछ पोर्ट्रेट्स बनाने चाहिए। आई जेन्युइनली फील इनका टैलेंट वेस्ट। आप इसकी और मेरी टैलेंट की फिक्र छोड़कर अपने पेट की फिक्र करें। प्लेग्राउंड की असल शक्ल निकलेगी, तभी मैं कुछ कर सकूंगी। ठीक है मैडम, जो आप कहती हैं। चलिए सर, मुझे वर्कर्स के साथ दूसरी साइड पर जाना है। प्लीज 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 कैरी ऑन। ओके, खुदा हाफिज़। चले भी अगली साइड पर।
से ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं तो कब से ये सोच रही थी। नहीं, मैं किसी और चीज की बात कर। किस चीज की? मेरा पोर्ट्रेट बनाएंगे आप? आपका? क्यों, मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है। कहाँ लगाएंगे आप? स्कूल की दीवारों पर? मैं कमरे में लगाऊंगा भाई। वहां तो ऑलरेडी आपने दिए सजा कर रखे हैं। पोर्ट्रेट की जगह बन जाएगी। दिए? कौन से दिए? मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और आंखें झूठ नहीं बोलती। यही मुस्कुराहट चाहिए थी आपकी। अब बनाऊंगी आपका पोर्ट्रेट। बताएं फिर कब से शुरू करें? इस बारे में सोचना छोड़ दो किश्वर। बिला वजह रातों की नींदें खराब कर रही हो तुम अपनी। वैसे ही कई रातों से मैं जागी भी हूं। कुछ देर और इंतजार करना पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे क्या पता था कि शहराम उनके जलसे में पहुंच जाएगा, इसीलिए इतनी नफरत से देख रहे थे मुझे। अब रिश्ता देना तो दूर की बात है, सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे मुझसे। किसका फोन है? नाज का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं समझती हूँ। अच्छा, तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, ये बहुत मेहरबानी। मैं बात करके, जी जी, मैं बिल्कुल उससे भी बात करवा लूँगी कल शाम को। अच्छा अच्छा जी, खैर मुबारक। मुबारक हो अम्मी। नाज और जमाल साहब आलिया और तब्रेज के रिश्ते के लिए मान गए हैं। क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। लेकिन ये आलिया कौन है? जमाल साहब और नाज की बेटी, बहुत प्यारी लड़की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। भाई की शादी हो रही है और मैं जानता ही नहीं उसे। मेरा ख्याल है कभी मिले होंगे, लेकिन तुम्हें याद नहीं होगी। एक दिखाएं, दिखाएं, दिखाएं। तो तब्रेज भाई ने शादी के लिए हामी भर दी है? अम्मी मैं कुछ पूछ रहा हूं, तब्रेज भाई मान गए हैं? मैं कर लूंगी बात उससे। आज तो फैक्ट्री बंद है, कहाँ जाने की तैयारी? दोस्तों से मिलने जा। अच्छा, एक खबर सुनानी थी तुम्हें। तुम्हारी शादी मैंने आलिया से तय कर दी है। किस किस्म का घटिया मजाक है अम्मी? हकीकत है। मजाक तो तुम कर रहे हो हमारे साथ। एक बेवा पे सारा वक्त बर्बाद कर दिया अपना। क्या तुम्हें लगता है कुछ नहीं जानती मैं? सब पता है मुझे। मैं आलिया से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं शहराम को सब कुछ दिखा देती हूँ।
कराची वाले घर के बिल्स, मुराद के दिए हुए चेक्स, उस लड़की के घर जो सामान भिजवाते रहे हो तुम, जब तक तुम्हारा खर्चा पानी बंद नहीं होगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तब मैं देखती हूँ क्या करते हो। मुझे धमकी दे रही है अम्मी। यही समझ लो, छोड़ दो उस लड़की का पीछा, वरना पीछा छुड़ाने के तरीके मुझे भी आते हैं। सब कुछ नहीं है, एक फैक्ट्री की एम्प्लॉई है, उसकी मदद कर रहा हूँ बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर ऐसे ही है तो कर लो ना फिर आलिया से मंगनी, क्या जाता है तुम्हारा, तुम्हारी बेहतरी है इसमें। मैं तो पहले ही उन्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारी तरफ से हाँ है। क्या चाहते हो तुम बोलो, अपना नया मुकाम या सब कुछ गवा देना? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा शादी। शहराम साहब आ भी जाइए, कितनी देर लगाएंगे? ये आ गया आ गया आ गया आ गया, कैसा लग रहा हूँ? क्या हुआ? बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो कैसे करें, मैं ऐसे ही खड़ा रहूं या कुर्सी पे बैठ जाऊं? आप एक काम करें, अपना एक पाँव ना इस कुर्सी पे रख दें। टांग चेयर पे रख दूं? अरे नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, बैठ जाइए। अच्छा ओके, बैठ जाओ जी। ठीक है, ये इस तरह ठीक है? हाँ बस ये ना। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ एक बात बता दूँ, एक बैठक में मुकम्मल नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करना होगा। इतना वक्त दे सकेंगे? इस काम के लिए तो मैं सारी जिंदगी दे सकता हूँ, काफी है। शुरू करते हैं।
Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.